एंटी कैंसर ड्रग. द डोज इज, आप डोज को काउंटिंग करने के लिए दो रूट हैं. आइदर यू कैन गिव लाइक 1 mg पर केजी बॉडी वेट, आप अकॉर्डिंग टू इसके दे सकते हो 1 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार दे सकते हो, वन ऑप्शन इज दैट. और एल्स यू कैन गिव लाइक 50 mg पर मीटर स्क्वायर ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया. सो अकॉर्डिंग टू दीज टू थिंग्स यू कैन गिव द मेथोट्रेक्सेट, दैट्स द 50 mg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया और 1 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द फीमेल. अकॉर्डिंग टू दीज टू थिंग्स यू कैन गिव द मेथोट्रेक्सेट. बेसिकली मेथोट्रेक्सेट इज ए एंटी कैंसर ड्रग, सॉरी इट्स नॉट एन एंटी कैंसर ड्रग, या इट्स ए एंटी कैंसर ड्रग, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब मैं बात करूं, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में याद रखना इट्स एन एंटी फोलिक एसिड ड्रग, एंटी फोलिक एसिड ड्रग. एंड सेकेंड थिंग, इट हैज टू बी गिवन ऑन एवरी अल्टरनेटिव डेट लाइक 1, 3, 5, 7 लाइक दिस यू नीड टू गिव वन, लाइक एक एक दिन का आपको जो गैप है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना होता है. एंड वेन यू आर गिविंग द मेथोट्रेक्सेट व्हाट यू नीड टू मॉनिटर, यू हैव टू मॉनिटर द फोलिक एसिड लेवल. मेनी टाइम आई हैव सीन विद माय पेशेंट्स दैट दे यूज टू गिव द फोलिक एसिड सप्लीमेंट अलोंग विद द मेथोट्रेक्सेट. क्यों देते हैं? बिकॉज कई बार मेथोट्रेक्सेट बहुत सीवियर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा देता है. एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इट कॉज द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन द फीमेल. सो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की भी प्रॉब्लम है. ऑलरेडी फीमेल इज एनीमिक बिकॉज हियर वाज ए ब्लीडिंग एंड अगेन शी कैन डेवलप द एनीमिया. सो व्हाट दे डू, दे विल सप्लाई द मेथोट्रेक्सेट एंड फोलिक एसिड टुगेदर. ऑलराइट गाइज, सो दिस इज अबाउट द मेथोट्रेक्सेट. सो गाइज, ये तो आपने देखा रिगार्डिंग द ड्रग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द डिफरेंट अदर मैनेजमेंट. अदर देन दैट, वी हैव टू ऑल्सो एडवाइस द फीमेल फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो फ्यू मोर एडवाइस वी कैन टेल, सम अदर एडवाइस. सो आपने मैनेजमेंट में क्या देखा, यू हैव सीन अंडर द मैनेजमेंट, यू हैव सीन अबाउट द सक्शन इवैक्यूएशन. मतलब आपको क्या करना है, यूट्राइन कैविटी को पूरा इवैक्यूएट करना है. इवैक्यूएट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक चीज 100% कंफर्म करनी है, दैट इज कि ट्यूमर कहीं बिनाइन है या मैलिग्नेंट है. ट्यूमर का नेचर आपको कंफर्म करना है. तीसरी चीज आपको यह कंफर्म करना है कि सर्विक्स इज डायलेटेड और नॉट. इफ सर्विक्स इज डायलेटेड, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन गो, अदरवाइज यू नीड टू डायलेट द सर्विक्स. फाइन, यह कंफर्म होने के बाद आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या बताया मैंने, दैट वाज द मॉनिटरिंग ऑफ बीटा एचसीजी लेवल आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गया, सक्शन इवैक्यूएशन के बाद में फिर आपको क्या करना है, किसका लेवल मॉनिटर करना है, बीटा एचसीजी का लेवल. आपको पहले महीने कितने सैंपल लेने हैं, 4 सैंपल लेने हैं. एवरी वीक यू नीड टू टेक बीटा एचसीजी सैंपल. पहला मंथ कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम द सेकेंड मंथ यू नीड टू फॉलो बीटा एचसीजी लेवल एवरी 1 month में 1 सैंपल फॉर अनोदर 6 months. तो पहले महीने में 4 सैंपल, फिर नेक्स्ट 6 month में एवरी मंथ 1 सैंपल. फाइन, अगर बीटा एचसीजी का लेवल 12 वीक के बाद में भी सब्साइड नहीं होता है, आपको क्या स्टार्ट करना है, यू नीड टू स्टार्ट दिस ड्रग, दैट इज द मेथोट्रेक्सेट. वट इज मेथोट्रेक्सेट, इट्स एंटी कैंसर ड्रग विच मेनली अटैक ऑन द फोलिक एसिड ऑफ द सेल्स. नेक्स्ट वन, मेथोट्रेक्सेट के डोज की बात हुई, 50 mg पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, और एल्स यू कैन गिव 1 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट. फाइन, मेथोट्रेक्सेट शुड बी गिवन ऑन द अल्टरनेटिव डेज लाइक 1st day, देन 3rd day, 5th day और 7th day. एंड वन मोर थिंग, वेन यू गिव द मेथोट्रेक्सेट यू क्लोजली मॉनिटर द फोलिक एसिड लेवल. फाइन, मेथोट्रेक्सेट को देने के रूट क्या है, आईवी और आईएम. फाइन, अब मैंने आपको कहा था कि क्या एक्स्ट्रा एडवाइस आप फीमेल को एडवाइस करोगे, अवॉइड, एडवाइस द फीमेल टू अवॉइड कंसेप्शन, मींस दे नीड टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव, मींस दे नीड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, अवॉइड कंसेप्शन फॉर एटलीस्ट 1 year, मींस फॉर द 1 year दे नीड टू अवॉइड द कंसेप्शन. मींस लाइक, और इसमें भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने दिनों तक एटलीस्ट दे शुड अवॉइड द प्रेगनेंसी, तो मिनिमम से मिनिमम अगर आपको पूछे, दैट इज 6 months. So minimum 6 months, but it will be always advisable to go for at least 1 year of contraception. So क्यों, किस कारण से हम लोग दोबारा 1 year तक conception को avoid कर रहे हैं, to prevent the recurrence, दोबारा से molar pregnancy को prevent करने के लिए, to prevent the recurrence of the disease, what we are doing, we are advising the couple to avoid the conception for another 1 year. Fine, एक तो ये चीज हो गई advice में. इसके अलावा यहाँ पे क्या contraceptive हम लोग advise कर सकते हैं for that 1 year, उसमें भी याद रखना,
Avoid intrauterine devices, that's IUD, because she is already having the current vaginal bleeding. She is having the fresh vaginal bleeding. So avoid the intrauterine devices. Oral pills, that is the Nordistrone 5 mg BD. Oral pills or barrier method is best. Oral pills or barrier method is best to avoid the conception in the, like post molar pregnancy, fine, but always avoid the IUD, that's the intrauterine devices. So dear students, this is about the management, this is about the special advice or nursing management from our like health education, aap kuch bhi keh sakte ho isko, regarding the molar pregnancy. So molar pregnancy mein sabse crucial role kya play kar raha hai? मोलार प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा कल्प्रिट दोषी कौन था? द कल्प्रिट वॉज प्लेसेंटा. और उस प्लेसेंटा को कल्प्रिट बनाया किसने? वो कल्प्रिट बनाया बीटा एचसीजी ने. तो पूरी लड़ाई थी, जो पूरी फाइट थी, वो इन दोनों के बीच में थी, बीटा एचसीजी में और प्लेसेंटा में. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीकेशन, फाइनली कॉम्प्लीकेशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, कि अगर किसी फीमेल में मोलार प्रेगनेंसी है तो वॉट आर द like dangerous effect female can face. She may have the shock, definitely she may have the shock, because she is losing so much of fluid, she is losing so much of blood. I told you in molar pregnancy that 30% of female, they have the vaginal bleeding. So what happens? She can have the shock, she can have septicemia. So I just write sepsis. Aur sepsis ke liye hi maine aapko bola tha management mein, administer the cyclosporin antibiotics, fine. Sepsis, other than that she can have uterine perforation, it's very dangerous. Uterine perforation ke alawa ek badi cheez, she can develop preeclampsia, or you can say like post pregnancy hypertension also. Pregnancy ke baad mein bhi mother mein hypertension ho sakta hai. Maine kaha tha ye preeclampsia thoda sa different type ka preeclampsia hai molar pregnancy mein. Yahan pe the symptoms of high BP, the symptoms of edema and the symptoms of proteinuria, that is even like +3 or +4 grade of proteinuria, that develops kab? Before 20 weeks. Ye yaad rakhna, 20 weeks se pehle preeclampsia ke symptoms aa jana usually does not happen. Usually preeclampsia symptoms appear after the 20 week of pregnancy, but only the condition in molar pregnancy it appears before the 20 week of pregnancy, fine. So shock, sepsis, uterine perforation, that's a rupture of uterus, and preeclampsia. Other than that, इनके अलावा भी आप कह सकते हो कि the female have the risk of pulmonary edema and pulmonary emboli, that's a movable clot. This is because of the vesicular mole. जो ruptured vesicular mole होते हैं, अगर उनके कोई cluster blood circulation में enter कर गए, that can cause pulmonary embolism. And one more thing, that's the DIC. DIC के बारे में आप क्या कह सकते हो? इट्स ए क्लॉटिंग डिफेक्ट. सो रिगार्डिंग DIC यू कैन क्लियरली मेंशन इट्स ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर. DIC फुल फॉर्म इट इज, दैट फुल फॉर्म ऑफ DIC इज डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी. सो आई विल जस्ट मेंशन द फुल फॉर्म फॉर यू. DIC, DIC मीन्स डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी. DIC, disseminated intravascular coagulopathy, it's a hyperactivation of clotting cascade. ये clotting cascade का एक just hyperactivation होता है. In that situation, the body produces lots of clotting factors. Fibrinogen level is too high. What happens? Entire blood circulation, there is a lots of formation of clots. These clots, they target to the kidney, they target to the glomerulus, damage the glomerulus, patient develops renal failure. So what's the complication of DIC? Renal failure and bleeding. Bleeding occurs later on, renal failure पहले भी हो सकता है patient में. What's the drug of choice for DIC? The drug of choice is heparin. The heparin is the drug of choice for the DIC. Heparin is produced by which of the organ? Heparin को कौन produce करता है body के अंदर? Please dear students remember, heparin is produced by the mast cell of the body. Mast cells कहाँ पाई जाती है अपने शरीर में? Liver and lungs में. अगर exam में आपको liver और lungs दोनों option में मिले तो firstly please choose the
लीवर, लीवर में भी लंग्स के द्वारा भी हेपरिन प्रोड्यूस होता है, हेपरिन ऑल्सो प्रोड्यूस बाई दी ब्लड वेजल्स, जो हमारे ब्लड वेजल्स की जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, दैट ऑल्सो प्रोड्यूस दी हेपरिन। ऑल राइट, हेपरिन इज ए नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। सो डीआईसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डीआईसी इज हेपरिन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग कैस्केड, उनको रोकने के लिए। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द मोलार प्रेगनेंसी। हेयर वी हैव, प्लीज आपको क्या डिस्कस रखना है, याद में क्या रखना है? एक तो जो मैंने कहा था ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, एक यूएसजी में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, कल्पित कौन था? प्लेसेंटा। और लेवल किसका मॉनिटर करना है आपको? बीटा एचसीजी का, क्लोजली मॉनिटर अबाउट दी बीटा एचसीजी। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या बताया मैंने आपको? अंडर द मेडिकल मैनेजमेंट आई एक्सप्लेन यू अबाउट दी मेथोट्रेक्सेट, डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट एंड व्हाट इज द रूट हाउ टू एडमिनिस्टर दी मेथोट्रेक्सेट। दिस इज ऑल अबाउट।